नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। भारतीय जनता पार्टी के सेमरिया के प्रत्याशी केपी त्रिपाठी ने आज पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केपी त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। निश्चित रूप से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने भरोसा जताया है, तो सिमरिया के अंदर खूब काम हुआ है। सिमरिया के कार्यकर्ता और सिमरिया की जनता जनार्दन की नब्ज को समझते हुए ही भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार, लोग कहते थे कि सिमरिया में दूसरी बार किसी प्रत्याशी को रिपीट नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, पिछले दो बार से ट्रेंड रहा है। इस मिथक को तोड़ने का काम जनता के प्यार और कार्यकर्ताओं के प्यार ने किया है। सिमरिया को लगातार बदनाम करने की कोशिश की गई और सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा। जब वो विधायक थे तो सिमरिया के लोगों को बिकाऊ कह के बदनाम किया करते थे, और आज पिछले 5 सालों में उन्होंने हमारे खिलाफ और सिमरिया के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करके बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन कितने भी दाग मेरे दामन में यदि साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ। जिस सीओ पे मेरा नाम, सीओ कांड में सीओ की मारपीट में मेरा नाम घसीटने का कोशिश की गई, मैंने कभी नहीं बोला मीडिया में। आज आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मुझे क्लीन चिट दी है और उनको, उनकी याचिकाओं को खारिज किया है। इस बात से साबित हो जाता है कि जो दागों, दाग लगने की आप बात कर रहे हैं, इतने भी दाग मेरे दामन पर नहीं हैं। हाँ, मैंने सिमरिया में 1600 करोड़ से अधिक के कार्य किए। राजनीतिक व्यक्ति जो अपनी जमीन तलाश रहे थे उनको भविष्य अंधकार में लगता है, तो लगातार मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की गई, सिमरिया को लगातार बदनाम करने की कोशिश की गई, और वो जनता जानती थी और जनता सिमरिया की समझती थी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नब्ज, जनता की और कार्यकर्ताओं की नब्ज समझते हुए मुझे प्रत्याशी बनाया। इससे ज़्यादा जवाब देने की मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ज़रूरत। सवाल ये है कि 5 साल आपने बहुत सारे ऐसा कौन सा काम रह गया जो अगली बार जनता आपको मौका देगी, तो सबसे पहले वो करें। बहुत सारे, सिमरिया में लुमुना प्लांट का निर्माण, सिमरिया से मानिकपुर रोड, सतना से सिमरिया में लिंक कोर्ट की स्थापना करना, शाहपुर में को तहसील बनवा का दर्जा दिलाना, शाहपुर में एक कॉलेज बने, शाहपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने, बनकुइयां औद्योगिक क्षेत्र है हमारा तो एक महत्वपूर्ण सड़क है, हिमनौती से बैजनाथ, बेला, नौबस्ता, छिजबार, सुमेदा, सकरवट, बनकुइयां और सपहा से लेकर बीड़ा, बरों, चचाई, ये यदि बड़ी सड़क बनेगी तो अंदर के गांव मुख्य मार्ग से जुड़ेंगे। जो अभी मेन सड़क अच्छी होनी चाहिए वो एक प्रमुख काम होगा। इस तरह से बहुत सिमरिया को ऑर्गेनिक हब, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हब, प्राकृतिक एग्रीकल्चर हब के रूप में विकसित करना, ये भी हमारा लक्ष्य है। सिमरिया को एक बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पुरवा फाल, चचाई फाल, बसामन मामा मंदिर, गौवंश वन विहार, जरमोहरा डैम और ककरेड़ी के नागर, अभी ककरेड़ी को नागर से जोड़ते हुए हमने 95 करोड़ की रोड मंजूर कराई है पूरे जंगली बेल्ट को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए। तो इस तरह से सिमरिया को के टूरिज्म को आगे बढ़ाना, सिमरिया माइक्रो इरीगेशन को प्रोजेक्ट को पूरा करा के 12,000 हेक्टेयर और सिमरिया में जो वाटर उत्तरी और दक्षिणी पश्चिम में पानी की समस्या है, उस पानी से की समस्या से निजात दिलाना, और खेती जब होगी तो हमारी सिमरिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, इस पर काम करना। ताज़ातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।